क्या सच में जो अगला अपडेट आने वाला है कार एक्सट्रीम गेम में, उसे करने के बाद 4GB रैम डिवाइस में चल पाएगा ये गेम? पीसी वर्जन गेम का आने वाला था, वो अब तक क्यों नहीं आया? उसके साथ साथ क्या माउंटेन डिस्ट्रिक्ट का और एक नया मैप इसमें ऐड होने वाला है? जी हाँ, हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, यही सब अपडेट उनके तरफ से शेयर कर चुके हैं। यानी बहुत ही जल्दी कार एक्सट्रीम में एक ब्रांड न्यू अपडेट हमें मिलने वाला है, जिसका वर्जन होगा 1.2.0। तो आज इस वीडियो को देखते रहो, इस अपडेट के बारे में जितने भी सारे फीचर्स हमें पता चले हैं ऑब्वियसली उनके तरफ से ही शेयर किया गया है, लेकिन उसे और अच्छे से हम हिंदी में एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। तो पूरा वीडियो को जरूर देखना, लेकिन पसंद आए तो फटाफट से लाइक करो, शेयर करो, और इसी तरह से इंटरेस्टिंग गेमिंग अपडेट्स के वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो नीचे सब्सक्राइब वाले बटन को दबा के। तो सीधे हम उनके ऑफिशियल एक्स अकाउंट या फिर फेसबुक अकाउंट या फिर कोई भी सोशल मीडिया हैंडल है उनको अगर आप फॉलो करते होंगे तो ये पोस्ट आपने जरूर देख लिया होगा, जिसमें लिखा है, व्हाट्सअप ड्राइवर, वी आर बैक विद न्यू कार एक्सट्रीम डेवलपमेंट अपडेट। जिसमें से पहले उन्होंने बताया है, राइट नाउ वी आर वर्किंग ऑन द नेक्स्ट 1.2 अपडेट। यानी इसके बाद जो गेम में अपडेट आएगा वो डायरेक्टली हमें 1.2.0 वर्जन का ही मिलेगा, जिसमें आपको बहुत सारे नए फीचर्स मिलेंगे, जिसमें से आता है सबसे पहले 6 नए कार्स, सम ऑफ देम यू हैव कॉन्स्टेंटली आस्किंग फॉर अस टू ऐड। यानी हमारे तरफ से ज्यादा रिक्वेस्ट किए जाने वाले कार्स को ये ऐड करने वाले हैं, और एक नई, दो नई, 6-6 नए कार्स हमें यूज करने को मिलेंगे इस अपडेट में। ऑब्वियसली परचेस तो करना होगा। उसके साथ आएगा नया बॉडी किट्स, न्यू क्लब, न्यू पैक ऑफ रिम्स, यानी कस्टमाइजेशन के लिए बहुत सारे ऑप्शन इसमें और ऐड करने वाले हैं। और आखिर में मेंशन किया गया है न्यू हैप्पी न्यू ईयर थीम इवेंट। इवेंट के लिए तो मैं कभी भी रेडी हो सकता हूँ, और इस गेम में इवेंट की कमी तो जरूर है। तो देखते हैं ये जो हैप्पी न्यू ईयर का इवेंट है हमें किस तरह से खेलना है और कितने अच्छे खासे रिवॉर्ड्स ये प्रोवाइड करते हैं। उसके नीचे आप पढ़ सकते हो, न्यू टाइप ऑफ रेसेस विद ग्लोबल लीडर बोर्ड्स अवेलेबल फॉर कंपटीशन इज वन ऑफ द बिगेस्ट फीचर्स ऑफ दिस 1.2.0 अपडेट। यानी इनका मानना है कि इस अपडेट में हमारा सबसे बड़ा फीचर्स होगा ये नया टाइप का रेसेस, जिसमें आपको ग्लोबल लीडर्स बोर्ड भी देखने को मिलेगा। यानी अगर आप इस गेम को बहुत ही अच्छा खेलते हो तो क्या पता इनके ग्लोबल लीडर बोर्ड में आप टॉप कर जाओ, समझ रहे हो। उसके बाद भी जो फीचर्स वो ऐड करेंगे वो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इस 1.2.0 में सेकंड माउंटेन डिस्ट्रिक्ट मैप ऐड होने वाला है। ये क्या बात करता है यार? पर्टिकुलर एक नया मैप तो नहीं है, अगर आप माउंटेन डिस्ट्रिक्ट को अनलॉक किए हुए हो उसमें ही आपको नए एरियाज देखने को मिलेंगे, उसमें आप जाके एक्सप्लोर वगैरह कर सकोगे, और मुझे लगता है ये बिल्कुल फ्री होगा, माउंटेन डिस्ट्रिक्ट के जैसे हमें अनलॉक नहीं करना पड़ेगा। उसके बाद वी आर ऑल्सो एक्टिवली वर्किंग ऑन द बॉडी एंड विल ड्राइव स्वैप्स एंड टायर्स चेंज फीचर्स अकॉर्डिंग टू आवर प्लान्स, दिस फीचर्स विल बी एडेड टू द गेम विद द नेक्स्ट 1.2.0 अपडेट्स एज वेल। यानी वो एक्टिवली वर्क कर रहे हैं कार के बॉडी और व्हील्स में, यानी जो हम रेस करते हैं उसमें और भी ज्यादा आसानी हो, बेसिकली कंट्रोल्स में काफी अच्छे से काम कर रहे हैं। ये तो हमें नेक्स्ट अपडेट में ही जाके पता चलेगा, क्योंकि क्लब रेसेस में जब हम पार्टिसिपेट करते हैं उनको हराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, ये तो आप भी मानते हो। बात तो सही है। We also would like to mention that development team is working on improving various technical aspects of the game and those improvements will provide us with additional options and possibilities for a general optimization of the game. और जो हमने 4GB टाइटल में mention किया इसी से ही related है। इसमें उनका कहना है कि हमारा जो development team है वो continuously work कर रहे हैं improve करने के लिए इस game को, technical aspects साथ साथ game का जो performance है और भी अच्छा निकल के आए और ऑप्टिमाइजेशन में भी काफी अच्छे से ध्यान दे रहे हैं। तो क्या पता नेक्स्ट अपडेट 4GB रैम डिवाइस यूजर के लिए काफी अच्छा हो, और ऑब्वियसली 6GB रैम डिवाइस यूजर भी इस गेम को अभी तक ठीक से नहीं खेल पा रहे, कभी कभी गेम क्रैश कर जाता है, कभी लोड नहीं लेता है, और साथ में काफी सारे दोस्त जो है लॉग इन तक गेम में नहीं कर पाते हैं। तो देखते हैं इनका ऑप्टिमाइजेशन इस अपडेट में कैसा होता है, ये तो अपडेट आने के बाद ही पता चलेगा। और उसके नीचे पीसी वर्जन को लेकर भी कुछ शेयर किए हैं, राइट नाउ वी आर वर्किंग ऑन द फाइनल एडजस्टमेंट ऑफ द वर्जन फॉर क्लोज बीटा टेस्ट, कार एक्सट्रीम विल बी अवेलेबल इन स्टीम इन अर्ली एक्सेस सून, वी डू हैव स्पेसिफिक डेट इन माइंड एंड वी विल शेयर इट सून एज पॉसिबल। यानी पीसी वर्जन में कार एक्सट्रीम बहुत ही जल्दी क्लोज बीटा टेस्ट में रिलीज होने वाला है, उनके माइंड में डेट जरूर आ चुका है जो आगे चल के वो शेयर जरूर कर देंगे।
तो अगर आप वेट कर रहे हो कि पीसी वर्जन में ये गेम कब आएगा, तो हो सकता है दिसंबर मंथ में हमें खेलने को मिल जाए। अच्छा, और आखिरी जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है कि 1.2.0 का अपडेट हम सबको कब मिलेगा। इसका एक्चुअल डेट तो उन्होंने शेयर नहीं किए हैं, लेकिन आपको थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, ऑब्वियसली वीडियो के पीछे, जिसमें हमने बताए थे न्यू हैप्पी न्यू ईयर थीम इवेंट, मतलब न्यू ईयर का इवेंट आने वाला है। तो ऑब्वियसली ये जो अपडेट है न्यू ईयर के आसपास ही पुश करने वाले हैं, क्या पता दिसंबर के मिड में या फिर दिसंबर के लास्ट में अपडेट हमें गेम में देखने को मिल जाए। तो इस अपडेट के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, काफ़ी कुछ नया चीज़ें भी आने वाले हैं। तो देखते हैं कितना अच्छा होता है, कितना बुरा होता है, गेम सुधरता है या फिर और ज़्यादा बिगड़ जाता है, ये तो अपडेट आने के बाद ही पता चलेगा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप सबको बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा, सब कुछ तो जानने को मिल चुका है। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, और इसी तरह से इंस्टेंट अपडेट वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, नीचे सब्सक्राइब वाले बटन को दबा के या फिर साइड के लोगो बटन को भी दबा सकते हो। तो चलो यार, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में फाइन एपिसोड के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।